अरे यार, गाड़ी की चाबी तो गाड़ी के अंदर रह गई। ओहो, फिर से? ये पंजा क्या दिखा रही है मुझे? मम्मी, इस हफ्ते में ये पांचवी बार गाड़ी के अंदर चाबी रह गई है। मम्मी, इस बार पापा नहीं छोड़ेंगे, पूरी वाट लगा देंगे। फोन करती हूँ। जल्दी बोलो, मेरी मीटिंग चल रही है। अरे क्या हो गया, रो कर रही हो? अरे कुछ बोलोगे भी? मैं बोलूंगी तो तुम मुझे डांटोगे। अरे नहीं डांटूंगा यार, बोलो तो सही। वो क्या हुआ ना कि गलती से गाड़ी की चाबी गाड़ी में रह गई। तुम कैसे डुप्लीकेट ले आओगे? दीपाली। The next day. सुनो, ध्यान रखना घर का, मैं बच्चों को डांस क्लास लेके जा रही हूँ। Two hours later. अरे कार कहाँ गई? यही तो पार्क की थी मैंने, है ना? हाँ मम्मी। मम्मी, मुझे लगता है कि आपने पीछे वाली गली में पार्क करी थी। पीछे वाली गली में? चल भाग कर देखते हैं। को बेटा, गाड़ी कहाँ है? इधर नहीं है बेटा, मुझे ध्यान है, मैंने गाड़ी वहीं पार्क की थी। अच्छा। यहाँ नहीं है, कहीं कहाँ? यार कार तो वहाँ भी नहीं मिली, ना यहाँ है ना वहाँ है। हाँ। तो कार गई कहाँ? पता नहीं मम्मी। क्या करें यार, वो गोलगप्पे वाले से पूछ कर आते हैं। चल उसने शायद पता हो। भैया, उधर एक लाल गाड़ी खड़ी थी, देखी क्या आपने? नहीं देखी मैडम। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कार गई तो गई कहाँ? मम्मा, मुझे लग रहा है कि कार ना चोरी हो गई होगी। चोरी? हे भगवान, अगर कार चोरी हो गई है ना, तेरे पापा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, पर उनको तो बताना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना भगवान। फोन करो। क्या हुआ? मुझे लगता है हमारी गाड़ी चोरी हो गई। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गई? पता नहीं, मैंने यही गाड़ी पार्क की थी और जो हम डांस क्लास से वापस आए तो यहाँ गाड़ी नहीं है। अरे यार, तुम क्या फिर से चाबी गाड़ी में भूल गई? चाबी? चाबी नहीं है पर्स में। मैं फिर से चाबी गाड़ी में भूल गई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यार? कितनी बार बोला है तुम्हें चाबी ध्यान से गाड़ी से निकाल लेना, इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती है? अब अरे अभी रो कर क्या होगा, चलो एक बारी फटाफट सब तरफ देखते हैं, कहीं दूर गया नहीं होगा, चलिए आ जाओ। मम्मी देखो, हमारी जैसी एक लाल कार। ओ अरे यार, नंबर दूसरा है यार, हमारी नहीं है, किसी और की है। I'm so sorry यार, मेरी वजह से हमारी गाड़ी चोरी हो गई, मैं क्या करूं? सॉरी यार, है इतनी मेहनत करके पैसा जमा कर रहे हैं और EMI भर रहे हैं और अब गाड़ी भी चली गई, पता नहीं यार। पापा पुलिस स्टेशन चले क्या? हाँ चल यार, रिक्शा पकड़ के चलते हैं, चल फटाफट। I'm so sorry अरुण, I'm so sorry, मेरी गलती है। अरे अब सॉरी बोलने से क्या फायदा यार, गाड़ी तो अब चोरी हो गई है, गाड़ी से कुछ क्राइम हो गया तो? हाँ यार, फिर तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी, पर मैं क्या करूँ, मैंने जान के कुछ नहीं किया, मुझे पता है सब मेरी गलती से हुआ, मैं ही हूँ जो हर बार चाबी गाड़ी में भूल जाती हूँ। I'm so sorry यार, please। अरे अब चलो पुलिस स्टेशन में एक बारी रिपोर्ट लिखवा देंगे, गाड़ी चोरी हो गई है, देखते हैं क्या होता है। मम्मा रात होने जा रही है, हम पुलिस स्टेशन कब जाएंगे? पूछती हूँ बेटा पापा से, पता नहीं क्यों हम वेट कर रहे हैं। सुनो, कितनी देर लगेगी, हम लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे? अब कार के लिए रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी ना। अरे वो मैंने शर्मा को बुलाया यार, पुलिस स्टेशन में उसकी पहचान है, वो कुछ हमारा काम जल्दी करवा देगा। मम्मा हमारी गाड़ी पकड़ो। मम्मा
जी आपका चाबी। ये कौन था और ये तुम्हें चाबी दे रहा था, कैसे, कौन है ये? सुनो ध्यान रखना घर का, मैं बच्चों को डांस क्लास लेके जा रही हूँ। जब तुम बच्चों को डांस क्लास लेकर गई थी ना, तो मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम चाबी गाड़ी में ही छोड़ के जाओगी, और इस बारी मुझे तुम्हें मजा चखाना ही है। पापा, आपका एक प्लान था? प्लान? हाँ, ताकि मम्मी को थोड़ी समझ आ जाए, गाड़ी में ऐसे चाबी नहीं छोड़ते।